पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड का भाईजान इंडिया ने। रोहित शर्मा ने 131 की इनिंग खेली, मतलब इतना मारा है कि इंग्लैंड वालों को पानी भी नहीं दिया ना, मतलब पकड़ के उनका घंटा बजा दिया। एनर्जी बढ़ दी एक बार फिर से रोहित शर्मा ने जडेजा के अंदर। रोहित शर्मा के 131 बनाने से जडेजा के 110 जो है वो और बन गए। रोहित शर्मा ने पकड़ के इंग्लैंड का घंटा बजाया ना, इंग्लैंड को बताया बेटा कि आपकी बेसबॉल गाड़ी की पीछे, आपकी बेसबॉल की मां की डैश, अब आओ हमारे सामने। बाबर आजम साहब 5 और 10 अभी तक जो उन्होंने किया, तो सर आपको बाबर आजम साहब आप जाएं रोहित से, विराट कोहली से जाके सीखें, आपके पास बड़ा अच्छा ये मौका सीखने का। रोहित का खेला है भाई, उसने फाड़ के रख दिया, इसलिए उसको कहते हैं रोहित मैन शर्मा, इसलिए उसको कहते हैं, ये वजह जिस तरह से उसको कहते हैं भाई। 104 रन की पार्टनरशिप आई है, माय गॉड रिजवान साहब, दिस यंगस्टर माय ओनली द फर्स्ट मैच एंड ही Short, tremendous class. सरफराज खान पिच के ऊपर आया और सरफराज खान ने हर एक चौके और छक्के के ऊपर अपने हिटर्स का मुंह बंद किया। रोहित शर्मा ने बेहतरीन इनिंग खेली है, रविंद्र जडेजा की भाईजन 38 की एवरेज है और घंटे की भी इतनी एवरेज नहीं है भाई। रोहित शर्मा की सेंचुरी, जडेजा की सेंचुरी, मगर सारी लाइमलाइट खींची द डेब्यूटेंट सरफराज खान ने, द वे ही अप्रोच, द वे ही प्लेड हिज हाफ सेंचुरी ऑन द डेब्यू। मैं डिजर्व करता हूँ इधर खेलना, और इस तरह खेला जाता है, प्रॉपर डोमिनेट करके गया इंग्लैंड के आगे। जेम्स एंडरसन, मार्क वुड, टॉम हैटली, उसके बाद जो रेहान अहमद, जितने भी उनके बॉलर थे, डोमिनेट करके गया उसके आगे। कहता हूं कि अगर प्लेयर ऐसा हो, शानदार परफॉर्मेंस डेब्यू पे करके दिखाए, तो फिर जैसी मर्जी फिटनेस हो उसको खिलाओ। असल याद रखेगी कि हमने इंडिया के साथ पंगा क्यों ले लिया। जडेजा ने बैटिंग किया, वो तो भाईजान ब्रिलियंट बैटिंग थी ना। रोहित शर्मा और जडेजा दोनों ने क्या कमाल की जो बैटिंग की है, और 204 रन की एक कमाल की पार्टनरशिप लगाई, जिसके चलते इंडिया की टीम जो है एक ऐसे रन्स तक पहुंच गई है जहां से इंडिया को हराने के लिए या मैच में वापसी करने के लिए इंग्लैंड को बड़े जो पापड़ जो बेलने पड़े। शाहिद खान ये बोलते हैं कि सरफराज जो है वो मियादाद की तरह खेलता है, यार क्या अप्रोच थी यार, क्या क्लैरिटी थी यार, हाउ ही वाज पिकिंग अप हिज लेंथ। आज के दिन के खेल खत्म होने तक इंडिया की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पे 326 रन बना लिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आज भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से इंग्लैंड के बेसबॉल की औकात दिखा दी है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने 131 रनों की पारी खेली है, उसके बाद सर जडेजा ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बनाए, उसके बाद अपने डेब्यू के पहले ही मैच में सरफराज खान ने 62 रनों की शानदार पारी खेली है। पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंड का भाईजान इंडिया ने। पहले जब इंग्लैंड इंडिया ने बैटिंग का आगाज किया, तो भाई आपने देखा कि 3 विकेटें इतनी जल्दी गिर गई थी कि लग रहा था कि शायद इंडिया 1.5 घंटे में ऑल आउट हो जाए, लेकिन फिर बजाना शुरू किया रोहित शर्मा ने, फिर बजाना शुरू किया रविंद्र जडेजा ने, और इतना बजाया कि पकड़ गए इनकी, बजा के रख दिया इंग्लैंड वालों की। रोहित शर्मा ने 131 की इनिंग खेली, मतलब इतना मारा है कि इंग्लैंड वालों को पानी भी नहीं दिया ना, मतलब पकड़ के उनका घंटा बजा दिया। तो पहले घंटा बजाया, फिर इनका छनकना बजाया, इनके अंदर गुस्सा आ दिया पकड़ के भाई, और उसके बाद जो बैटिंग की है भाईजान रविंद्र जडेजा ने जो बैटिंग की है ना, देखो सब पे आता हूँ, जो जडेजा ने बैटिंग किया वो तो भाईजान ब्रिलियंट बैटिंग थी ना उस बंदे ने। देखो सरफराज खान के आउट पे बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ा सा मैं दिन की बात कर लूं, फिर जडेजा के सरफराज के रन आउट वाली जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है उस पर भी बात करता हूँ, लेकिन भाईजान पहले बात करते हैं आज के दिन की। अब इंडिया ने बैटिंग का आगाज किया, जयसवाल ने 10 रन किए हैं, शुभमन गिल 0, रजत पाटीदार 5, 60 पे को 3 आउट थे, मुझे लग रहा था इंडिया भाईजान 1.5 घंटे में गया, लेकिन उसके बाद फिर पकड़ के जो घंटा बजाया ना भाईजान इंग्लैंड का रोहित शर्मा ने पकड़ के इंग्लैंड का घंटा बजाया ना, इंग्लैंड को बताया बेटा कि आपकी बेसबॉल गाड़ी की पीछे, आपकी बेसबॉल की मां की डैश। सरफराज खान पिच के ऊपर आया और सरफराज खान ने हर एक चौके और छक्के के ऊपर अपने हिटर्स का मुंह बंद किया। सरफराज खान की बहुत प्रेशर था इस लड़के के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर था, हर किसी ने इसको सपोर्ट किया, बहुत से लोगों ने इसके अगेंस्ट पॉलिसी चलाई, लेकिन बिल आखिर सरफराज खान का बल्ला चला, सरफराज खान ने सबके मुंह को बंद किया। आज उसने सेंचुरी मार देनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रविंद्र जडेजा जो कि रोहित शर्मा को भी रन आउट करवाने वाले थे, जो कि सरफराज खान को बार बार रन आउट करवाने वाले थे, रन नहीं लेते थे, भाग के पीछे भाग जाते थे, वही रविंद्र जडेजा ने 99 के ऊपर सरफराज खान को रन आउट करवा ही दिया। बहुत दुखी बेचारा गया कि मैं देख रहा था ऊपर जाके उसका यू हाथ था, उसका हाथ जो था सर के ऊपर था, इतना डिसअपॉइंट था, क्योंकि वो जानता था आज उसका दिन है, लेकिन उसके दिल को छीन लिया गया। लेकिन जितना उसने खेला भाई, क्या शानदार प्लेयर है ये लड़का, बड़ी तारीफें सुनी थी, बड़ा कुछ देखा था, क्योंकि हम इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में यहाँ पाकिस्तान में बैठ के देख नहीं सकते, हमें पता नहीं कहाँ पे आती होती है, लेकिन हम स्टैट्स जरूर देखते हैं, और स्टैट्स के मामले के अंदर सरफराज खान का नाम हमेशा ऊपर रहता था कि इसने ये परफॉर्मेंस करके दिखाई है, इंग्लैंड लाइन्स के खिलाफ इसने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। अब आओ हमारे सामने और आप आउट करके बताओ, जो रोहित शर्मा ने बैटिंग किया, लिटरली जो रोहित शर्मा ने बैटिंग किया 131 की जो इनिंग्स खेली है,
आई थिंक 190 समथिंग बॉलों के ऊपर, जिसमें तीन छक्के भी थे। मतलब पर लड़के ने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। आज इंग्लैंड की एक प्रेशर सिचुएशन में, एक प्रेशर सिचुएशन में आया है, एक प्रेशर सिचुएशन में खड़े हो गए, उसने इंग्लैंड की पकड़ के बजा दिया। इसलिए उसको कहते हैं रोहित मैन शर्मा, इसलिए उसको कहते हैं। ये वजह जिस वजह से उसको कहते हैं भाई, ये वजह जिस वजह से रोहित शर्मा को बोला जाता है रोहित मैन, हिट मैन उसको इस वजह से बोला जाता है। जब वो बजाने भी आता है तो फिर घंटा के साथ साथ बेटा अगले का जो है वो छनगना भी बजा देता है, घंटे के साथ साथ अगले का छनगना भी बजा देता है। फिर रविंद्र जडेजा और सरफराज खान के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप लगी है, दोनों ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। लेकिन जो सरफराज खान, आज का दिन देखो, आज का दिन रोहित शर्मा के नाम 131, जडेजा 100, लेकिन आज का दिन, आज के इमोशंस, आज की एक ऐसे सैड मोमेंट्स सरफराज खान के नाम रहे हैं। लड़के का इंडिया की तरफ से डेब्यू, फिर अपने पेरेंट्स के गले लग के रोना, उसके पेरेंट्स भी इमोशनल थे, वो खुद भी इमोशनल था। सरफराज खान ये बोलते हैं कि सरफराज जो है वो मियादाद की तरह खेलता है। यार क्या अप्रोच थी यार, क्या क्लैरिटी थी यार, हाउ ही वाज पिकिंग अप हिज लेंथ, ही एग्जैक्टली न्यू वेयर हिज रन्स वर इन द फील्ड। होता है ना ओपोनेंट के दिमाग से खेलना। सेंचुरी रोहित ने भी मारी, सेंचुरी जडेजा ने भी मारी, लेकिन ये 60 odd runs played on the mind of England and they were clearly on the back foot. यार बहुत ही कम डेब्यू ऐसे दिखते हैं सवेरा कि जिस डेब्यू के ऊपर बंदा आके ऐलान कर दे दुनिया के सामने, आई एम हेयर टू स्टे, मैं मेरा डेब्यू लेट हुआ, जो इतनी आवाजें लग रही थी वो बिल्कुल सही लग रही थी। यार एक रन्स होते हैं, एक रन्स बनाने का तरीका होता है, रन्स बनाने का जो तरीका था, मतलब यार क्या गच्ची डेब्यू था, क्या स्टोरी है। आज सुबह जब इसको कैप दी गई है, फौरन भाग के अपने अब्बा के पास गया, अब्बा को कैप हाथ थमाई, बेगम को गले लग गया, बेगम को कैप थमाई, आंसुओं में थे इनके अब्बा और इनकी बेगम, ये खुद आंसुओं में थे। मतलब व्हाट अ स्टोरी। 15 फरवरी 2024 सरफराज खान, जो कि अंडर 19 लेवल से बता दिया था कि आई एम हियर फॉर द बिगर लीग, फॉर द बिगर स्टेज, मतलब अ डेब्यू टू रिमेंबर, व्हाट अ रॉकिंग डेब्यू, व्हाट अ वे टू स्कोर दीज रन्स। एंड इट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग रन्स, इट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग अ 48 बॉल 50, इट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द फास्टेस्ट टेस्ट 50, दैट टू ऑन अ डेब्यू इन अ टेस्ट मैच। टेस्ट क्रिकेट में 30-62 रन जितने उसने किए हैं, उसने बेटा कोई वो वाले नहीं किए, टुक 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 घंटे की तरह के उसने नहीं किए, प्रॉपर अगले ने अपना टेम्परामेंट शो किया कि भाई मैं डिजर्व करता हूं इधर खेलना, और इस तरह खेला जाता है, प्रॉपर डोमिनेट करके गया इंग्लैंड के आगे। जेम्स एंडरसन, मार्क वुड, टॉम हैटली, उसके बाद जो रेहान अहमद, जितने भी उनके बॉलर थे, डोमिनेट करके गया उसके आगे। खड़ा नहीं हुआ किसी के जी मैं आओ मुझे टुक टुक करवा लो, प्रॉपर डोमिनेट करके गया और मजे की इनिंग खेल के गया। हाँ आउट हुआ वो रविंद्र जडेजा की ही मुझे भी लगता है गलती थी, लेकिन उसको नहीं था पता कि ये आउट हो जाएगा, या उसको इतना नहीं था पता कि ये इतना बाहर आ जाएगा। बाद में रविंद्र जडेजा के चेहरे के ऊपर भी भाईजान वो एक शर्मिंदगी या वो गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन भाई जो बैटिंग किया ना आज इंडिया ने की है, मुझे लगता है कि इंडिया खुशी खुशी वापस जाएगा। उसकी वजह दो मुझे नजर आती हैं, उसकी दो वजह मेरे पास ये है कि रोहित शर्मा ने बैटिंग की है और रोहित शर्मा ने बेहतरीन इनिंग खेली है। रविंद्र जडेजा की भाईजान 38 की एवरेज है और घंटे की भी इतनी एवरेज नहीं है भाई। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत की भारतीय बल्लेबाजों की जमकर तारीफ कर रही है, खास करके रोहित शर्मा, सर जडेजा की और सरफराज खान की, क्योंकि सरफराज खान ने अपने डेब्यू मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें जडेजा ने आउट करा दिया, मतलब रन आउट करा दिया गलती की वजह से, जिसके बाद सरफराज खान काफी ज्यादा मतलब नाखुश दिखे। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने अपने पहले ही डेब्यू मैच में इतनी जबरदस्त पारी खेली है और हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड के बराबर कर लिया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जब अपना डेब्यू किया था तो उन्होंने भी 50 मारा था, और सरफराज खान ने मतलब आज पूरी तरीके से इंग्लैंड को मतलब वन साइडेड मारा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से आज भारतीय बल्लेबाजी चल रही थी, पूरी तरीके से इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर डोमिनेट करते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए और जडेजा ने 110 रनों की पारी खेली है, और उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी, जिसके बाद भारतीय टीम ने एक अच्छा टोटल स्कोर बनाया है इंग्लैंड के सामने, और अभी भी भारतीय टीम खेल रही है क्योंकि अभी भी 5 विकेट मौजूद है भारतीय टीम के पास, लेकिन मतलब 326 रन बनाकर अभी भी भारतीय टीम मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कप्तान रोहित शर्मा ने पारी खेली है, मतलब पिछले कई मैचों में वो फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय ओपनिंग शुरुआत हुई,
हुई। शुरुआत में 33 रन पे 3 विकेट गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को मतलब लंबा स्कोर नहीं बना पाएगी, लेकिन मतलब सुमन गिल ने भी आज मतलब खाता नहीं खोल पाए और यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आज कप्तान रोहित शर्मा और जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की जिसके बदौलत भारतीय टीम ने एक अच्छा टोटल कर दिया है 5 विकेट के नुकसान पर। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा आज भारतीय बल्लेबाजी देखकर, खास करके रोहित शर्मा, जडेजा और सरफराज खान की? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।